नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बात करते हैं भवानी मंडी क्षेत्र से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग H2O ड्रिंकिंग वाटर। भवानी मंडी शहर में व्यापार महासंघ द्वारा विगत 12 वर्षों से अनवरत जारी कवि सम्मेलन के परंपरा के इस क्रम में हर वर्ष की भांति इस दुलंडी के अवसर पर भी हास्य कवि सम्मेलन व स्नेह बोज का आयोजन राधेश्याम मंदिर बगीचे में किया गया। कवि सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हास्य कवि बुद्धि प्रकाश दादीच केकड़ी ने अपने होली के गीतों से श्रोताओं के गुदगुदाया। वहीं उज्जैन से पधारे अशोक नागर, भिलवाड़ा के राजकुमार बादल, पार्थ नवीन और प्रतापगढ़ एवं कवित्री सुमित्रा सरल ने काव्य पाठ किया और कवि सम्मेलन का संचालन कोटा से आए वीर रस के कवि भूपेंद्र राठौर ने किया। कवि सम्मेलन देर रात करीब 1:30 बजे तक चला और स्वागत व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह और आभार महासचिव हीरालाल विजावत ने किया। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल भवानी मंडी द्वारा अभिव्यक्ति 2024 वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कालूराम मेघवाल विधायक डग विधानसभा क्षेत्र, वहीं अध्यक्ष चंद्र सिंह सिसोदिया विधायक करोट विधानसभा क्षेत्र और विशिष्ट अतिथि देवीलाल धाकड़ पूर्व विधायक करोट विधानसभा क्षेत्र, वहीं विशिष्ट अतिथि सुल्तान सिंह प्रधान पंचायत समिति भवानी मंडी, वहीं संस्था अध्यक्ष ओम प्रकाश चतुर्वेदी, सचिव राजेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष गुरुवेद सिंह छाबड़ा, वहीं समन्वयक हिमांशु चतुर्वेदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न रिश्तों के परिदृश्य पर आधारित प्रस्तुतियां दी गई। राजस्थान संगठन अध्यक्ष चंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति और राज्यपाल और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मजदूरों और हाथ से काम करने वाले नाई, सुतार, लोहार, मोची और ठेला चलाने वाले हमाल व्यापारी, गुमटी लगाने वाले की समस्या के बारे में ज्ञापन में बताया। और ज्ञापन में बताया कि किसानों को फसल बीमा मुआवजा, फसलों की निर्धारित रेट उपलब्ध हो, वहीं हथकरघा व्यापारियों को पेंशन सहित सरकार की योजनाओं को लाभ मिल सके, इन आम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को सजा मिल सके आदि मांगों को लेकर ज्ञापन में बताया। किसी का भी मुआवजा नहीं मिलता है, आपदा प्रबंधन से नहीं जोड़ा गया है, एक बीमा नहीं मिलता हमारे यहाँ किसी प्रकार का, क्योंकि वो जबकि ऑलरेडी KCC में बीमा कटता है जी। तो इसलिए हमने जो कई मांगों को, जो 11 सूत्री मांगों को लेकर के जो है हम किसानों के लिए जो है ये कर रहे हैं, क्योंकि आज एक पुराना ट्रक या ट्रैक्टर या कुछ भी होता है तो उसका पूरा बीमा मिलता है जी। और मुआवजा भी पूरा मिलता है किसानों को, जो है मुआवजा या बीमा मिलता है तो वो भी नहीं के बराबर, ऊंट के मुंह में जीरो के बराबर जो है मुआवजा मिलता है। सरकार जो है इस पे विचार करे, एक जो है किसानों के साथ धोखाधड़ी का हो या किसी प्रकार की जो भी बातें हैं उनकी भी जो है CBI या इसी ऊंची संस्थाओं से जांच होना चाहिए, ताकि किसानों को, मजदूरों को, हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए हम पिछले 7-8 सालों से मांग कर रहे हैं। तो अभी कुछ गवर्नमेंट ने तय करा है कि उनको लोन 50,000 तक का या ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाकी उनके भी 50 साल की उम्र के बाद में उनसे हाथ से काम नहीं होता है, वो लोग भी हमारे बीच में है, उन लोगों को भी जोड़ रखा है हमने, जो ताकि वो जो है सभी प्रकार की जो है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो हमने मांग रखी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या, मांगे नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, इसके लिए जो है जिम्मेदार सरकार रहेगा और हमारा प्रशासन भी जो है मौके पे साथ दे रहा है। बार बार हमारे HDM साहब ने भी आज हमें आश्वासन दिया है कि भाई मैं मेरे स्तर पे भी करूँगा और ऊपर भी भेजूंगा सब जगह, और इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। ये ज्ञापन, आज ज्ञापन दिया है किसानों के को लेकर, जिस तरह से 11 सूत्री मांगों को लेकर, क्या कहना है आपका? जैसे हमारे राणा जी ने बताया, पिछले साल इस साल में भी जो है सर्दी में धने की फसलें खास करके बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, संतरे के इसमें भी कहीं अभी गर्मी में रेट जो संतरे हुए वो व्यापारियों, लेने वाले नहीं मिले इसी पोषण रहे, तो इसके लिए इनको मुआवजा मिले, इसी संबंध में हमने HDM साहब को ज्ञापन दिया है। ग्राम पंचायत घटोत में भारतीय शिक्षा संस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह मनाया गया, जिसमें संस्था प्रधान करदनैया लाल वैष्णव द्वारा कक्षा 8 के विद्यार्थियों को तिलक लगाकर माल्यार्पण कर विदाई दी गई। वहीं पिछले सत्र 2022-23 में कक्षा UKG से 8वीं तक की कक्षा प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं पिछले सत्र 2022-23 में कक्षा 8वीं की छात्र रीना कुमारी और संजना कुमारी आहिर ने बोर्ड परीक्षा में हिंदी भाषा में 100 में से 100
प्राप्त अंक किए थे, जिसका विद्यालय परिवार ने उत्साह के साथ तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया और कक्षा में द्वितीय स्थान पायल गुर्जर ने प्राप्त किया। उनेल में राजस्थान के पूर्व मंत्री और कोटा उत्तर के विधायक शांतिलाल धारीवाल ने होली पर कस्बे के विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर जैन तीर्थ पहुंचकर यहां स्थित भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना कर दर्शन किए। वहीं कांग्रेस हाड़ौती विकास संभाग अध्यक्ष राजेंद्र सांकला ने बताया कि पूर्व मंत्री शांति धारीवाल हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी होली के पावन अवसर पर कोटा से सड़क मार्ग से सोमवार दोपहर को नागेश्वर जैन तीर्थ पहुंचकर यहां स्थित भगवान श्री नागेश्वर की पूजा अर्चना की और पूजा के बाद जिले से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। वहीं पूर्व मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों को होली की बधाई दी। इस दौरान नागेश्वर तीर्थ पेड़ी द्वारा पूर्व मंत्री का शाल श्रीफल देकर स्वागत किया। हुनेल कस्बे में कमला कॉन्वेंट स्कूल में रंगों का त्यौहार होली बड़े धूमधाम के साथ मनाया। विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं और संस्था के प्रधानाध्यापक राघवेंद्र सिंह चौहान सहित विद्यालय का स्टाफ वहां उपस्थित रहा। साथ ही कक्षा 8 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें विद्यालय की तरफ से सम्मानित किया गया विद्यार्थियों को। इस अवसर पर शिक्षक कैलाश चंद, गोकुल सिंह, नितिन दुबे, समरत राठौर, निशा व्यास, रचना शर्मा, पूजा शर्मा, हिमांशी शर्मा, वर्षा व्यास आदि वहाँ उपस्थित रहे। अब बात करते हैं डग कस्बे की। कहते हैं कि बेटी किसी बेटे से कम नहीं होती है, जो काम बेटा कर सकता है वही काम बेटी भी करके दिखा सकती है, काम चाहे घर का हो या बाहर का। डग कस्बे में रहने वाली अनिल कुमार निम्बोदिया के धर्मपत्नी और वर्षा, साक्षी, हर्षा की माताजी सजुल भाई की लंबी बीमारी के चलते मंगलवार सुबह उनका निधन हो गया था और उनकी तीनों पुत्रियों के अलावा पुत्र नहीं था, इसलिए उनकी छोटी सी बेटी साक्षी ने मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार कर उन्हें मुखाग्नि दी। माँ की आखिरी इच्छा थी कि उनकी चिता को आग देने की रस्म बेटी ही निभाए और माँ की अंतिम इच्छा साक्षी ने हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरी की है, जो समाज में एक मिसाल पेश हुई है, जिसने भी ये नज़ारा देखा उनकी आँखें नम हो गई है और बेटी के प्रति श्रद्धा से सिर झुकाया। जालौर जिले के डग कस्बे में दुलंडी में धधकते अंगारों पर निकले आस्था की परीक्षा देने वाले, विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया वहाँ और इसको देखने के लिए वहाँ डग सहित आसपास ग्रामीण इलाकों से लोग वहाँ पहुँचते हैं और सोमवार को यह परंपरा शाम 6 बजे आयोजित की गई और मंदिर समिति सदस्य पंकज वाशरमैन ने बताया कि हनुमान जी और माता जी की विशेष पूजा अर्चना के बाद यहाँ परंपरा आयोजित होती है और 15 फीट लंबी, 2 फीट गहरी और 1.5 फीट चौड़ी खाई खोद कर इसमें 2 क्विंटल लकड़ी के अंगारे तैयार किए जाते हैं और अंगारों पर 15 किलो शुद्ध देसी घी अंगारों पर धधका जलाया जाता है। इस पर श्रद्धालु नंगे पैर निकलकर अपनी मनोती पूर्ण करते हुए सोमवार को भी यहाँ करीब 75 महिला, पुरुष और बच्चे धधकते अंगारों पर निकले। क्षेत्र में जानकारों की माने तो आस्था और श्रद्धा के चलते धधकते अंगारों के बीच चलने की यह अनोखी परंपरा बरसों से यहाँ निभाई जा रही है। दांगीपुरा थाना क्षेत्र के जंगल में जुआ खेलने किसी सूचना के बाद पुलिस की कार्रवाई के दौरान सभी जुआरी वहाँ से भागने में सफल हुए और पुलिस ने मौके से लग्जरी 6 गाड़ियाँ को जब्त कर लिया और थानाधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर गोरेया खेड़ा, पोदार व बामन गांव, टपरिया के जंगलों में बड़ी संख्या में जुआ खेलते हुए जाने पर वहां पर छापेमारी की है और इस मौके पर चार पहिया लग्जरी वाहन वहां से जब्त किए हैं और कार्रवाई के दौरान सभी जुआरी वहां से भागने में सफल हुए हैं, लेकिन 6 चार पहिया वाहनों की अनुमानित कीमत 63 लाख है। उक्त वाहनों को मालिकों का पता लगाकर जुआ खेलने वाले व्यक्तियों पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी है और पुलिस टीम में थानाधिकारी सहित SI अब्दुल हकीम, हेड कांस्टेबल मोतीलाल, कांस्टेबल मदमोहन, राम सिंह, प्रदीप, दयाराम, राजीव आदि का सहयोग रहा। राजकीय महाविद्यालय में मनोर थाना में स्नातक भाग प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 मार्च से प्रारंभ होने वाली है और प्राचार्य ब्रजमोहन बलाई ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय मनोर थाना में स्नातक भाग प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 मार्च से प्रारंभ होगी, जो प्रतिदिन 3 भागों में आयोजित होगी और 15 अप्रैल तक यह परीक्षाएं निरंतर चलेगी। इसमें 3034 नियमित और स्वयं पाठी विद्यार्थी भाग लेंगे। इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा तैयारियां प्रारंभ की गई है। मनोर थाना कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ कपड़ा फाड़ होली का विशेष महत्व है। कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में होली का पर्व सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
स्थानीय ग्रामीण रंग गुलाल प्राकृतिक रंगों के साथ एक दूसरे को रंग लगाते हुए दिखाई दिए और होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। झालावाड़ में लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर उस उद्देश्य से सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा सहभागिता कार्यक्रम यानी कि स्वीप के तहत मंगलवार को बकानी क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों और पर अन्य प्रशासन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में आगामी 26 अप्रैल 2024 को मतदान तिथि पर अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश देती हुई रंगोली के माध्यम से महिला मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने मतदाता की शपथ भी दिलाई गई। झालावाड़ में महिला बाल विकास विभाग झालावाड़ द्वारा कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी झालापाटन में पोषण पखवाड़ा के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महिला बाल विकास विभाग उप निदेशक दिलीप सिंह गुप्ता और स्वीप सह प्रभारी जितमल नागर द्वारा किया गया। अब बात करते हैं मंदसौर क्षेत्र की, तो मंदसौर में लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता और गरोट भानपुरा विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया और भवानी मंडी व्यापार महासंघ के प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करते हुए बेसुधा रेलवे ब्रिज को भवानी मंडी SDM तिराहे से जोड़ने की मांग रखी गई, ताकि राजस्थान के भवानी मंडी और मध्य प्रदेश बेसुधा मंडी शहर के व्यापारियों को ट्रैफिक की समस्याओं से बचाया जा सके, जिस पर दोनों ने चुनाव के बाद कार्य का आश्वासन दिया है। और इस दौरान अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, विनय पोरवाल, कमल सुरेखा, गोविंद बिल्ला, नरेश माधवनी, प्रकाश CA, गिरीश सोमानी आदि वहां पर मौजूद रहे। मैं हूं मोदी का परिवार के कार्यक्रम के तहत मंडल बेसुधा में लोकप्रिय सांसद सुधीर गुप्ता और लोकप्रिय विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया और पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़, जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर मनुप्रिया यादव, मंडल अध्यक्ष सोदान गुजर, प्रभारी राजेश चौधरी की उपस्थिति में नगर में विभिन्न सामाजिक संगठन और व्यापारी प्रकोष्ठ, धार्मिक संगठन सदस्य, गणेश उत्सव समिति, गरबा समिति, झंडा समिति, गोसेवा समिति, हारे का सहारे समिति, खाटू श्याम मित्र मंडल के सदस्यों ने संवाद कार्यक्रम आयोजित किया और कार्यक्रम नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री, अजय पौराणिक वरिष्ठ नेता राकेश यादव, श्याम गुजर, अजय पौराणिक, क्षितिज जोशी, भवानी मंडी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रामलाल गुजर, उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, मंडल अध्यक्ष सुनीत दीक्षित, भवानी मंडी व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सरदार प्रीतपाल सिंह और पूर्व अध्यक्ष नरेश माधवानी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष गोविंद बिरला, प्रकाश गुप्ता CA, कमल सुरेखा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनोहर सिंह, महामंत्री अंद्रवीन बिल ठाकुर, विनय पोरवाल, नगर परिषद के सभी पार्षद सीमा यादव, रेखा गुजर, आशा चंदेल, मनोहर सैनी, संजय, महिला मंडल अध्यक्ष रवीना शर्मा, रमेश धोकड़िया, ज्ञानवार पब्लिक स्कूल के निर्देशक रौनक बरेड़िया और मोहन भाई व बेसुधा नगर परिषद के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और संचालन शिव खंडेलवाल ने किया। गरीबी रेखा से ऊपर निकाल पाने में सफल हुए हैं। स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं देश भर में पहुंचाने के लिए मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखलाएं हमने खड़ी की है और इसलिए हम जानते हैं कि स्वास्थ्य से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, गरीब कल्याण से लेकर युवाओं के विकास तक, हर सपने पूरी करने वाला भारत बनाने का हमारा जो एजेंडा है उसको हम बहुत तेजी से उसको लागू किए, जनता को हम पर भरोसा। सांसद जी, आपने अपने संबोधन में भी बोला कि भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी, प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है PM आवास, जिसमें प्रधानमंत्री जी गरीब, इसमें एक बात स्पष्ट है, 2011 के एजेंडे में जितने लोगों के नाम है उन सबको हम मकान दे चुके हैं और 2011 के बाद जो इनरोल्ड हुए हैं उन सबको भी हम मकान उपलब्ध कराएंगे और इसलिए शासन अपने स्तर पर हेल्प भी करता है और शासन की कर वाली प्रणालियां हैं वो अपने अपने स्टेट की रहती। बेसुधा मंडी में हुए कार्यक्रम में विश्वकर्मा समाज ने अंतरालय में हुई घटना को लेकर सांसद को ज्ञापन दिया। वहीं ज्ञापन में बताया कि मंदसौर के लोकप्रिय सुधीर गुप्ता सांसद बेसुधा मंडी आगमन पर जांगीर सुतार समाज के लोगों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया और उन्हें ग्राम अंतरालय में लालचंद विश्वकर्मा की हत्या और परिवारजनों के जानलेवा हमले के बारे में ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया और कहा कि दोषियों के खिलाफ बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा के साथ समाज के रामनारायण कारपेंटर, नंदकिशोर लडानिया, दिनेश हार्डवेयर, राधेश्याम नरवरिया और भगवान भेरूलाल और ललित जांगड़ आदि मौजूद रहे। मंदसौर जिला अस्पताल में रोड पर लगी DP में अचानक आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गई और तुरंत फायर ब्रिगेड की मौजूदगी से सूचना दी गई और तुरंत फायर ब्रिगेड वहां नहीं पहुंच पाई तो वहां मौजूद विद्युत मंडल के कर्मचारी ने आग पर मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया।
सभी मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है और जिला अस्पताल परिसर में लगे ऑक्सीजन प्लांट की दीवार के बाहर की तरफ से लगी विद्युत डीपी में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर तुरंत कंट्रोल रूम पर सूचना दी ताकि फायर फाइटर पहुंच जाए, और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची तो मौके पर पहुंचे विद्युत मंडल कर्मचारियों ने मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। होली का पर्व सभी के लिए होता है और जिसे सभी मिलजुल कर धूमधाम के साथ मनाते हैं। वहीं पुलिस विभाग ऐसा विभाग जो आमजन अपने त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए, इसके लिए पुलिस विभाग त्यौहार पर ड्यूटी करते हुए और आमजन की सुरक्षा करते हुए दिखाई दिया, और भोपाल पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद मंदसौर पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के होली के एक दिन बाद होली मनाने के आदेश दिए थे, जिसके चलते जिले के पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के बंगले पर जमकर होली खेली है, और इस दौरान बड़ी संख्या में जिले के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी वहां मौजूद रहे और एक दूसरे को बधाई है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग H2O ड्रिंकिंग वाटर।